गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए परीक्षा विशेषांक सीरीज़ के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का भाग दो, यानी कि कल मैंने भाग एक आप लोगों के सामने दिया था और आज हम लोग बात करेंगे भाग दो की। तो इसमें है घरेलू समाहार, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक वर्ष की अवधि में यानी कि एक वर्ष के समय में अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आप सबसे चर्चा की थी अंतिम वस्तुओं की इससे पहले भाग में, और उसके बाद हमने ये भी जाना था कि भाई और अंतिम वस्तु बाजार कीमत, बाजार सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी चर्चा किया था। इसलिए इसको ये समझिए कि एक वर्ष की अवधि यानी कि एक वर्ष के समय में अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु दो प्रकार की हो सकती है, या तो उपयोग उपभोग की वस्तुएं हो सकती है या फिर निवेश की वस्तुएं हो सकती है, सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। बाजार कीमत पर निवल निवेशीय उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एमपी बराबर होता है जीडीपी एमपी माइनस मूल्य ह्रास। इसको ध्यान रखेंगे, देखिए जरा ये बाजार कीमत पर निवल देशीय उत्पाद एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है जीडीपी एमपी माइनस मूल्य ह्रास। उसके बाद अगला क्या है, साधन लागत पर निवल देशीय आय यानी कि नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट साधन लागत जिसको हिंदी में हम कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष, लेखा वर्ष मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अभी भी फिर से बता देता हूँ कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ये एक लेखा वर्ष, सामान्यतः ये माना जाता है। एक लेखा वर्ष में उत्पादन कारकों की आय का योग जो कारकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्राप्त होती है को देशीय आय कहते हैं। एनडीपीएफसी यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होता है जीडीपीएमपी माइनस मूल्य ह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसके बाद हम जानते हैं राष्ट्रीय समाहार यानी कि जो नेशनल लेवल पे आप किस किस चीज़ों की बात करते हैं, तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, अब एक देश का सामान्य निवासी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भौगोलिक क्षेत्र या हवाई क्षेत्र या फिर समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत सीमा के अंतर्गत जो भी एक वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे हैं और उसकी सारी आर्थिक क्रियाएं उसी देश के लिए होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक देश का सामान्य निवासी। तो सामान्य निवासियों, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा व विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को जीएनपी एमपी कहते हैं। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एमपी बराबर क्या होता है जीएनपी एमपी माइनस मूल्य ह्रास। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम एनएनपीएफसी भी इसको कहते हैं हम,
फैक्टर कॉस्ट, एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट यानी कारक आय। एक देश के समान निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर जो कि सामान्यतः 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है में देश की घरेलू सीमा व शेष विश्व से अर्जित शेष विश्व यानी कि जो आपके सामान्य क्षेत्र जो है आपका जो आर्थिक क्षेत्र है उसको छोड़ के जो बाकी जो एरिया बचा तो शेष विश्व से अर्जित आय का योग यानी कि उसका टोटल राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि NNPFC बराबर क्या होता है NDPFC और प्लस NFIA बराबर क्या होता है राष्ट्रीय आय। अब NFIA क्या होता है, NFIA मतलब होता है शेष विश्व से जो आपका सकल आय जो उत्पन्न मिलती है उसको हम शुद्ध आय भी कह सकते हो, तो सकल आय जो मिलती है तो उसे NFIA हम शॉर्ट में कहते हैं। क्षरण, आय के चक्रीय प्रवाह से निकाली गई राशि मुद्रा के रूप में यानी कि आय के चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलर जो उसका फ्लो होता है उससे निकाली गई राशि की को क्या कहते हैं हम क्षरण कहते हैं। जैसे कर आपके चक्रीय प्रवाह में से टैक्स निकलता है फिर सेविंग आती है और आयात होता है यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं क्षरण कहते हैं। एक शब्द है क्षरण और दूसरा है भरण। तो भरण क्या होता है कि आय के चक्रीय प्रवाह में डाली गई राशि को भरण कहते हैं। जैसे इन्वेस्ट करते हैं आप सरकारी व्यय यानी कि सरकारी खर्च करते हैं या निर्यात करते हैं यानी कि आप किसी चीज़ को अपने यहाँ से दूसरी जगह भेजते हैं। आयात मतलब होता है किसी चीज़ को अपने यहाँ मंगवाना। उसके बाद अगला क्या है, तो अगला है मूल्य वर्धित मूल्य यानी कि मूल्य वृद्धि। वर्धित मूल्य मतलब बढ़ी हुई कीमत। तो किसी उत्पादन इकाई द्वारा निश्चित समय में किए गए उत्पादन के मूल्य तथा प्रयुक्त मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य का अंतर वर्धित मूल्य कहलाता है। यानी कि निश्चित समय में किए गए उत्पादन के मूल्य और उसके बीच में जो भी आपने मध्यवर्ती उपभोग किया है यानी कि जो बीच में आपने यूज़ किया है उसका जो अंतर होता है वो होता है वर्धित मूल्य या मूल्य वृद्धि उसको कहते हैं। यानी कि आप इसको उदाहरण के द्वारा समझिए कि जैसे कि कोई किसान है, किसान 1000 रुपये की गेहूं को उपजाता है तो उसमें मान लेते हैं कि उसने जन 200 रुपये सिंचाई में खर्च किया, 50 रुपये का बीज ले लिया मान के चल रहे हैं और फिर उसका जो है ना 100 रुपये का उसमें खाद लगाया यानी 350 रुपये की का उसका उसकी लागत है और उसके बाद उसके जो है ना उत्पादन कितना हुआ 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये का उत्पादन हुआ तो 1000 माइनस 350 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 650। तो 650 क्या होगा क्या कहलाएगा तो मूल्य वृद्धि कहलाएगी 650 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, दोहरी गणना की समस्या। अब ये दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, दोहरी मतलब जान रहे होगे डबल काउंटिंग। राष्ट्रीय आय आकलन में जब किसी वस्तु के मूल्य की एक से अधिक बार गणना की जाती है तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। इससे राष्ट्रीय आय अधिमूल्य आय का अधिमूल्यांकन हो जाता है यानी कि अधिक गणना हो जाती है, जितना एक्चुअल होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कैसे। अब यहाँ पे हम लोग दो चीज़ को लेंगे, एक किसान है और दूसरा बेकर यानी कि जो ब्रेड बनाता है। तो किसान मान लेते हैं कि 100 रुपये की गेहूँ उपजाता है और उसमें से वो क्या करता है आधा जो है ना 50 रुपये का गेहूँ वो बेच देता है बेकर को। अब बेकर क्या करता है 50 रुपये गेहूँ से 200 रुपये मूल्य का ब्रेड तैयार करता है। अब 200 का मूल्य, अब इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा 100 प्लस 200
यानी कि ये हो गया 300 कुल हो गया, कुल आय का सृजन 300 हुआ। लेकिन अब यहाँ पे दिया जरा ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो है ना 100 रुपये में हमने इस 50 रुपये को भी, 50 रुपये के मूल्य को भी ऐड कर दिया, यानी कि अब एक तरीके से 150 रुपये की हमने गेहूँ ऐड कर दिया। जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए 100 रुपये के किसान की आमदनी हुई थी, प्लस जाना बेकर की आमदनी कितनी है 150, क्योंकि 50 रुपये की उसकी लागत आई थी गेहूं के रूप में, तो उसको घटाने के बाद कितना हुआ 250। तो इससे पहले हमने जो किया था वो गेहूं के मूल्य को हमने दोबारा जोड़ दिया था, तो जिसे क्या कहते हैं, दोहरी गणना कहते हैं। ये एक समस्या है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण समीकरण है। सकल, सकल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, निवल यानी कि शुद्ध में मूल्य ह्रास को जोड़ देते हैं। राष्ट्रीय निकालने के लिए घरेलू प्लस विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय यानी कि जिसको NFIA कहते हैं उसको जोड़ देते हैं। बाजार कीमत क्या होता है, साधन लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर मतलब सहायता की आर्थिक सहायता जिसको सब्सिडी के नाम से आप लोग जानते हैं, यानी कि जो सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। और उसके बाद विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी कि कारक बराबर होता है विदेशों से साधन आय माइनस विदेशों को साधन आय, यानी कि विदेशों से जो आपके पास आमदनी आई और जो आपने विदेशों को आमदनी दी उसका को माइनस कर देते हैं तो क्या निकलता है आपको, विदेशों से शुद्ध साधन आय नेट इनकम आ जाती है एट फैक्टर कॉस्ट। अब राष्ट्रीय आय को अनुमानित यानी कि मापने की विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी तीन मुख्य विधियां हैं। एक विधि को कहते हैं आय विधि, दूसरी विधि है आपकी उत्पाद विधि या मूल्य उत्पाद विधि को ही हम कहते हैं मूल्य वर्धित विधि भी इसको कहते हैं, और तीसरी विधि है आपकी व्यय विधि। तो मुख्य रूप से ये तीन विधियां होती है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने की, यानी कि उसका उसकी उसका अंदाज़ा लगाने की ये तीन मुख्य विधियां होती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, आय विधि के बारे में जानते हैं। तो आय विधि में प्रथम चरण के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें इसके प्रथम चरण में साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या निवल घरेलू साधन आय यानी कि NDPFC, तो कर्मचारियों बराबर क्या होता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि जो कर्मचारी हैं उसको जो मेहनताना मिला है, प्लस प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष क्या होता है, जानते होंगे कि जितने भी कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं या किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो उसको पारिश्रमिक देने के बाद यानी कि उसको देने के बाद जो बचता है उसको प्रचालन अधिशेष कहते हैं। और प्लस स्वयं नियोजित की गई मिश्रित आय यानी कि अगर आपने ऐड का खर्चा बचाया है या और भी कुछ चीज़ें की है तो वो सब हो जाती है। द्वितीय चरण, दूसरे चरण में क्या करते हैं, तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो जाता है कि साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय यानी कि NNPFC बराबर होता है NDPFC प्लस NFIA। तो ये विधि है कौन सी, आय विधि। उसके बाद अगली विधि है उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि भी इसको कहा जाता है। इसका प्रथम चरण में, इसके प्रथम चरण में क्या होता है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य। अब प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य की जब बात करते हैं यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अगर आप किसी किसान ने 5,000 रुपये की लागत लगाई और उसको 8,000 रुपये के मूल्य का फसल तैयार मिला, मतलब फसल मिलती है 8,000 रुपये के मूल्य की, तो 8,000 माइनस 5,000 यानी क्या बचा,
3000, तो प्राथमिक क्षेत्र का सकल वर्धित मूल्य हो गया 3000। और उसके बाद देखिए द्वितीय क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य, अब द्वितीय क्षेत्र यानी निर्माण, अब निर्माण विभाग जैसे बेकर का उदाहरण लेते हैं, बेकर अगर मान लीजिए कि 1000 रुपये की गेहूँ खरीदता है और वो उससे 3000 का ब्रेड बनाता है, तो 3000 माइनस 1000 यानी कि 2000 रुपये उसका क्या हो गया, सकल वर्धित मूल्य हो गया। और तृतीय क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य यानी कि सेवा सेक्टर, सेक्टर तो सेवा सेक्टर में जैसे कि उदाहरण के लिए, अब जैसे कि मैं अपनी कोचिंग संस्थान चलाता हूँ, वहाँ पे क्या करता हूँ कि कुछ स्टाफ हैं, तो स्टाफ को मैं देता हूँ, जैसे कि आप से 1000 रुपये के दर से 10 बच्चे हैं तो 10000 रुपये हुआ, 10000 में से मैं 6000 रुपये टीचर को पे कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना बचा, 4000 रुपये, तो वो क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य हो गया। तो यानी कि क्या हो गया, 3000 प्लस 2000 प्लस 4000 यानी कि 3, 2, 5, 4, 9000 रुपये का क्या हुआ, सकल बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हो गया। आगे देखिए, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर बिक्री कितने की हुई प्लस स्टॉक में परिवर्तन क्या हुआ और मध्यवर्ती बढ़ती उपभोग जो होता है उसको माइनस कर देते हैं। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग करके जो आता है उसको बिक्री जितनी हुई है उसमें प्लस कर देते हैं, तो आपका यह निकल जाता है क्या, GDP एट मार्केट प्राइस। द्वितीय चरण इसका क्या है, सेकेंड फेज में इसको कैसे क्या करते हैं, तो बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि NDP MP बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP MP माइनस मूल्यह्रास। अब थर्ड फेज में क्या करते हैं, थर्ड स्टेज में इसमें करते हैं, तृतीय चरण में साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि NDP एट फैक्टर प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि NDP MP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फोर्थ स्टेज भी होता है इसमें, फोर्थ स्टेज क्या है, तो फोर्थ स्टेज है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय आय NNPFC यानी कि फैक्टर कॉस्ट यानी कारक आय भी इसको कहते हैं, तो साधन लागत यानी कि साधन लागत भी कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट साधन लागत, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि NDPFC और प्लस विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय यानी कि NFIA। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये कौन सी विधि थी, ये थी आपकी उत्पाद विधि, उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि इसको कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है व्यय विधि, तो व्यय विधि की बातें अब करते हैं हम, तो व्यय विधि में सबसे पहले प्रथम चरण में क्या किया जाता है, तो प्रथम चरण में व्यय विधि में प्रथम चरण में क्या करते हैं, तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय उपयोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपयोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध या निवल निर्यात यानी कि GDP MP बराबर होता है C+G+I+X-M। अब एक्स माइनस एम क्या है ये, तो आपका जो है ना एक्स मतलब है कि आपके पास जो आया और आपके पास जो गया उस दोनों को माइनस कर देते हैं। द्वितीय चरण इसका सेकंड स्टेज क्या है, कि बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि NDP MP बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP MP माइनस मूल्यह्रास। तृतीय चरण इसका क्या है, तो साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद NDPFC बराबर होता है बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि NDP MP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि NIT। चतुर्थ चरण में इसमें क्या करते हैं, तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय आय NNPFC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि NDPFC प्लस विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय यानी कि NFIA। इस तरीके से हम करते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि ये विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय क्या होता है, कि देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों को प्रदान की गई साधन सेवाओं से प्राप्त आय, यानी कि जो आप सर्विस देते हो विदेश में वहाँ से जो आपको आमदनी प्राप्त होती है, और विदेशों को दी गई साधन आय के बीच, यानी कि जो हम विदेश से कोई सेवा लेते हैं उसके बदले में हम उन्हें पे करते हैं, जो वो हमें पे करते हैं और हम उन्हें जो पे करते हैं, उन दोनों का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं हम विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय यानी कि NFIA। इसमें क्या क्या चीज़ आती है, तो इसमें देखिए इसमें जो शामिल है वो है कर्मचारियों का निवल पारिश्रमिक यानी कि नेट इनकम, मजदूरी और संपत्ति तथा उद्यम वृत्ति से निवल आय, तथा विदेशों से निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। अब इसके बाद है चालू हस्तांतरण। चालू हस्तांतरण वह गैर अर्जित आय जो देने वाले यानी डोनर के चालू आय में से निकलता है और प्राप्त करने वाले यानी कि रिसिप्टेंट के चालू आय में जोड़ा जाता है, उसे चालू हस्तांतरण आय कहते हैं। उसके बाद अगला है पूंजीगत हस्तांतरण, वह गैर अर्जित आय जो देने वाले के धन तथा पूंजी से निकलता है तथा प्राप्त करने वाले के धन तथा पूंजी में शामिल होता है, उसे पूंजीगत हस्तांतरण कहते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे आय विधि के अनुसार निवल घरेलू उत्पाद के घटकों का संक्षिप्त सार यानी कि एकदम बिल्कुल ब्रीफ में समरी जानेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।